टॉम देख, मैंने तुझे पिछली बार 64 डायमंड्स दिए थे और वो बहुत सारे डायमंड है, और मेरे पास हाँ कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं गरीब हूँ। और बहुत सारे डायमंड हमने केव वगैरह से निकाले थे। आई नो तूने बहुत बड़ा धंधा किया और तू मेरे से बहुत ही परेशान है, आई नो, क्योंकि मैंने तुझे ट्रॉल वगैरह किया, ठीक है। लेकिन अभी एक काम करते हैं, दोनों हम बहुत टाइम से साथ में रह रहे हैं, बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग कि हमने वो लास्ट वाला एपिसोड किया था। और यहाँ पे पता है तुझे क्या करना है, तेरे पास डायमंड वगैरह है तो यहाँ पे पता है, अब तू एक काम कर, यहाँ पे नया बिजनेस जाके ढूंढ ले, कोई केव वगैरह ढूंढ ले, कोई माइन वगैरह ढूंढ ले, जहाँ से हम डायमंड माइन करके पहाड़ी इलाके और शहरों में बेच सके। तो वो तू जाके कर ले और मैं यहाँ पे बैठता हूँ, मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत ही डेकोरेशन करनी है। वैसे डेकोरेशन तो नहीं करनी, लेकिन हाँ डेकोरेशन वगैरह करनी है। तो एक काम कर, तू यहाँ से निकल जा और मैं यहाँ पे जब वापस तू आएगा ना, तो यहाँ पे ढेर सारी डेकोरेशन हुई पड़ी होनी है। तो एक काम कर, चल तू निकल और मैं यहाँ पे बाहर जाके विलेजर्स वगैरह की खबर ले आता हूँ। अबे यार, पहले तो ये मैग्मा ब्लॉक को हटाओ यार, यहाँ पे क्या कर रखा है भाई तूने। तो अभी एक काम कर, जा, तुझे मार्केट्स वगैरह पता ना, तो गाइस यहाँ पे इसको तो मैंने भेज दिया, लेकिन पता है मैं इसको भेज रहा हूँ, हाँ मैंने इसके साथ काम जरूर करना है, लेकिन गाइस यहाँ पे मुझे काम करने के सिवाय सिवाय एक और चीज करनी है, क्योंकि मेरे पास इतना सारा डायमंड है, इतना सारा गोल्ड है, इतना सारा एमराल्ड है, इतना सारा आयरन है, एंड आई ऑल्सो हैव टीएनटी एंड लाइफ सेविंग पोशन। तो मतलब कि मैं तो प्रीटी मच प्रोटेक्टेड हूँ, लेकिन वो नहीं है। लेकिन मुझे उससे पहले कि इसको पता चल जाए यहाँ पे ये सब की सब चीजें छुपानी है, तो मेरे पास एक खतरनाक रैपचिक आइडिया आया माइंड के अंदर। तो वो तो भाग गया भाई, विलेज से दूर भाग गया, लेकिन यहाँ पे इसने एक रैबिट के लिए छोटी सी केव बनाई हुई थी, और यहाँ पे आप जैसे कि देख ही सकते हो कि यहाँ पे कॉबलस्टोन है। तो यहाँ पे मेरा प्लान है कि नीचे जाके एक हॉपर सिस्टम बनाऊं, क्योंकि यहाँ पे तो भाई बिल्कुल वो आएगा नहीं, और यहाँ पे दो तीन फेंस पड़े थे जो कि मैं तोड़ चुका हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज गाइस, नीचे चलते हैं और यहाँ पे एक हॉपर सिस्टम बनाते हैं, जहाँ पे मैं आते ही बस अपनी चीजें ऐसे फेंक सकता हूँ। लिटरली गाइस, आई कैन जस्ट थ्रो माय आइटम्स और यहाँ पे जाके सीधा मेरे सीक्रेट चेस्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगी। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे बस उसके ऊपर नजर मार लेते हैं, छोटी सी टाइनी सीढ़ियां जो हमने अपने लिए बना रखी हैं उसके ऊपर चल जाते हैं, एंड आई थिंक ही इज गोइंग आउट ऑफ द विलेज। सो अभी एक काम करते हैं भाई, नीचे चलते हैं और अपना फटाफट से ये सीक्रेट सिस्टम बनाते हैं। सो अभी जैसे कि पता है हम तो भाई क्रिएटिव मोड के अंदर आ चुके हैं, एंड लेट्स ब्रेक ऑल ऑफ दिस डाउन। तो अभी यहाँ पे हम पता है एक काम करेंगे, यहाँ पे इधर कारपेट वगैरह लगाएंगे। सबसे पहले तो इधर हमें टॉर्चेस वगैरह लगानी है जस्ट टू गेट सम लाइट, और यहाँ पे बस मुझे प्लान करने की ये कैसा होना चाहिए। तो इतना ज्यादा बड़ा तो ऑब्वियसली मुझे चाहिए नहीं, लेकिन इफ आई पुट माय चेस्ट राइट हियर, ऐसे डबल चेस्ट हो गया हमारा। ओके, यहाँ पे भाई कॉबलस्टोन वगैरह तो रखना पड़ेगा ऐसे, और यहाँ पे इसको अगर इधर से इसके साथ कनेक्ट कर दें, और यहाँ पे इधर भी ऐसे इसके साथ कनेक्ट कर दें, सो आई थिंक ये तो काम करने लग ही जाएगा। तो इसको फटाफट से हम ऐसे तोड़ लेते हैं, देयर वी गो। और अगर मैंने इसके अंदर एक डायमंड फेंका, आई गेट माय डायमंड इन देयर। So, अभी एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे ऊपर चलते हैं एंड लेट्स कवर दिस अप। तो यहाँ पे मेनली कॉबलस्टोन पड़ा हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली भाई कॉबलस्टोन तो अब यहाँ पे रख नहीं सकते ना, और उसको पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल एक झलक तक नहीं लगनी चाहिए उसको कि हमने यहाँ पे एक सीक्रेट ट्रैप बनाया। तो इसके लिए हमें पता है क्या करना होगा, ऑब्वियसली हमें अपनी ब्राउन कलर की कार्पेट यूज करनी होगी, क्योंकि ब्राउन कलर तो भाई यहाँ पे दिखेगा नहीं। ओके, आई डिड मेक अ मिस्टेक राइट हियर। तो यहाँ पे ये जो टॉर्च है ना, उसको कर लेते हैं ऐसे ब्रेक, ताकि भाई थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, और उस टॉर्च को लगा देते हैं फिलहाल यहाँ पे, एंड लेट्स रिप्लेस दी हॉपर्स। तो एक दो तीन एंड देयर वी गो, यहाँ पे इसके ऊपर लगा देते ऐसे कारपेट। तो जब भी मुझे एक्सेस करना होगा तो गाइस मैं यहाँ से आ सकूंगा, लेकिन एक्सेस के लिए हमें ये कॉबलस्टोन बार बार ही ब्रेक करना होगा, विच ऑब्वियसली वी डोंट वॉन्ट। लेकिन अभी एक काम करता है, यहाँ पे एक सीक्रेट एंट्रेंस बनाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमें पता है क्या करना होगा, यहाँ पे करना होगा इसको ऐसे ब्रेक, दैट्स इट गाइस। तो जब भी हम आ सके, यहाँ पे एक सीक्रेट डोर होगा और यहाँ पे एक सीक्रेट घर होगा हमारे लिए। तो अभी मैंने क्लियर कर दिया एंट्रेंस, और यहाँ पे हमें पता है एक ही चीज करनी है, एंड दैट इज टू ब्रेक दिस एज वेल। तो ये अपन ने ब्रेक कर लिया, और यहाँ पर भी ऑब्वियसली आई कैन नॉट एक्सेस दिस, लेकिन मैं इधर आके फाइनली इन दोनों ब्लॉक्स को ब्रेक करके, यहाँ तो मेरे पास एक और खतरनाक आइडिया गाइस, यहाँ पे लेते हैं ऐसे कॉबलस्टोन एंड लेट्स एक्चुअली जस्ट क्विकली मेक अ वॉल। यहाँ पे अभी हमें फिलहाल इसको ब्रेक करना होगा, एंड व्हाट वी नाउ नीड टू डू इज कि गाइस यहाँ पे बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रेट वॉल ले आते हैं, ताकि उसको बिल्कुल पता ना चले। तो ऐसे हमने यहाँ पे एक वॉल बना ली, सो आई कैन जस्ट क्विकली मेक अ सीक्रेट डोर हियर, ताकि भाई हम अंदर और बाहर यहां से निकल सके। देयर वी गो। और यहां पे अभी हमें पता है एक ही चीज करनी है, एंड जस्ट पुट अ कारपेट ऑन देयर, ताकि भाई यहां पे बिल्कुल मतलब कि पता ना चले कि यहां पे हॉपर्स वगैरह हैं। सो अभी हम ले लेते हैं एक ब्राउन रंग की वूल, एंड देयर वी गो। तो ये हो गया भाई एक हॉपर कवर,
ये हो गया भाई दूसरा हॉपर कवर्ड एंड ये होगी ये सिंगल लाइन कवर। और इसके ऊपर अगर मैं ऐसे सामान फेंक भी दूं तो यहाँ पे अंदर जागे भाई मुझे चेस्ट के अंदर तो मिल ही रहे हैं। सो देयर वी गो, जॉली गुड हो गया हमारा। तो हमें और किसी चीज की चिंता करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, इसको कर लेते हैं फिलहाल ऐसे कवर। और गाइज ये होगी हमारी सीक्रेट एंट्रेंस विद अ सीक्रेट ट्रैप ऑब्वियसली। और गाइज नाइट टाइम भी हो चुकी है और वो यहाँ पे आने वाला होगा। वेल यहाँ पे फेंस वगैरह नहीं लगाएंगे अभी फिलहाल क्योंकि भाई इतना टाइम मेरे पास नहीं है। सो आई थिंक ही शुड बी ऑन द वे। तो अभी एक काम करते हैं घर के अंदर जाके जब तक वो आता है एक दो पेंटिंग वगैरह यहाँ पे लगा देते हैं। ये लग गई अपन की एक पेंटिंग, ये लग गई दो पेंटिंग, ये लग गई तीन पेंटिंग, ये लगा देते हैं एक और। एंड ओ ये रहा, हेलो टॉम कैसे हो, आजा भाई सोने का टाइम आ चुका है। आई नो भाई तू थका होगा। अरे ये तो सीधा ऊपर ही भाग गया। एक काम करते हैं गाइस इसके ऊपर चलते हैं एंड इसके पीछे भागते हैं। और आई थिंक ये सोने जा चुका है। मैडम ये कर क्या रहा है भाई, इसके हाथ में एक बेड है, नया बेड लेकर आया भाई अपने लिए सही में। चलो इसने बिस्तर तो भाई अपना शिफ्ट कर लिया एंड ही इज स्लीपिंग। तो टॉम देख मैं भी सोने जा रहा हूँ, लेकिन गाइस सोने से पहले मुझे यहाँ पे अपनी इन्वेंटरी वगैरह छुपानी पड़ेगी। सो लेट्स गो एंड हाइड दिस इन्वेंटरी राइट नाउ क्योंकि भाई अगर इसने मुझे देख लिया तो कार्ड हो जाना हमारा। सो फटाफट से यहाँ पे चलते हैं और इधर जितना भी डायमंड है अपने पास यहाँ पे फेंक देते हैं। देयर वी गो, एमराल्ड डायमंड गोल्ड ये वगैरह वगैरह सब कुछ लिटरली गाइस सब कुछ यहाँ पे फेंक देते हैं। आयरन टीएनटी लाइफ सेविंग पोशन ये सब कुछ यहाँ पर है। एंड ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे थोड़ा बहुत ही सामान हम अपने पास रखेंगे। सो लास्टली अभी ये 60 ये भी फेंक देता हूँ एंड चले जाओ। आई थिंक गाइस ये सबके सब हॉपर जो है ना फुल हो चुके हैं। ओ यस दे आर गोइंग। तो अभी ये काम करते हैं वापस चले जाते हैं उस बेड के अंदर, उसके साथ लेट जाते हैं। क्या पता भाई वो बिलीव कर ले कि हम सो के ही उठे हैं। The next day. Hello Tom, कैसे हो? अच्छा ये बता कि भाई कौन सी अपॉर्चुनिटी तुझे मिली, कौन सा बिजनेस है, कौन सी माइन तूने जाके देखी थी? डायमंड नहीं है मेरे पास। Okay, तो भाई मेरे पास भी डायमंड नहीं है, अगर अब हम कहां से डायमंड वगैरह लेकर आएंगे? एक काम कर जा तो डायमंड वगैरह ढूंढ ले। चले काम करते हैं दोनों चलते हैं डायमंड वगैरह ढूंढने के लिए, ठीक है? अबे यार यहां पे मुझे अपनी नजर वगैरह भी रखनी पड़ेगी कि गाइस यहां पे डायमंड वगैरह क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो यहां पे गाइस पीछे जाके विलेजर्स वगैरह के साथ चेक कर लेते हैं, क्या पता उनके पास डायमंड हो। और गाइस ऑब्वियसली मेरे पास तो डायमंड है, अगर मुझे नहीं मिले डायमंड वगैरह तो यहां पे जाके मैं पीछे से डायमंड निकाल के चेस्ट में से उनको दे दूंगा। वी नाउ नीड टू गो टू द मार्केट, ठीक है? क्योंकि इनके पास भाई बहुत माल होता है। अबे यार ये तो विलेजर्स हैं कहां पे? अरे ये विलेजर्स तो गायब हो गए भाई। अबे सोने चले गए क्या? अरे यहाँ पे तो बिल्कुल है ही नहीं। वेट अ मिनट भाई यहाँ पे तो है ही नहीं और नाइट टाइम भी हो चुका है। अरे यहाँ पे 10 एमराल्ड पड़ा हुआ है। काम करते हैं गाइस 10 एमराल्ड से इसको थोड़ा सा खुश कर लेते हैं। अरे टॉम वगैरह है कहाँ पे? यार मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस ये टॉम कहाँ पर गया। अरे कहाँ है ये टॉम? अरे उधर से आ रहा है। ओके टॉम ये ले टॉम, हेलो टॉम इधर आ। ये देख मेरे पास 10 एमराल्ड है लेकिन मेरे पास थोड़े से डायमंड वगैरह भी है। रुक मैं ले आया। ये देख इधर हूं मैं। ये ले 10 एमराल्ड ले, जाके अपने चेस्ट के अंदर रख जब तक मैं डायमंड लेकर आता हूँ फटाफट से, ठीक है? गो अपने चेस्ट के अंदर रख। यहाँ पे मैंने डायमंड वगैरह छुपा के रखा हुआ है। इधर एक काम करते हैं इधर चलते हैं फटाफट से अपने चेस्ट के अंदर। भाई ये किया अपुन ने ब्रेक। व्हाट अरे मेरा माल वगैरह कहाँ पे गया? नो अरे मेरा माल वगैरह कहाँ पे गया? इसकी साजिश है। एक मिनट काम करते हैं गाइस इसके पीछे जाके देख लेते हैं। वेट अ मिनट यहां पे। ओह माय गॉड ओके तो गाइस लगता है मुझे इसने फेंस के थ्रू यहां पे ब्राउन कलर की कारपेट देख ली थी। अरे यार यहां पे तो भाई मैं ही ट्रॉल हो गया यहां पे। हां समझ आया, मजा आया। ओके अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, ये तू पड़ा रहे यहाँ पे गाइस, ये सारा का सारा सामान पड़ा रहे, लेकिन सुबह होती मैं एक और ट्रैप बनाने वाला हूँ इसको सबक सिखाने के लिए। तो टॉम यहाँ पे यार बिल्कुल मुझे डायमंड्स वगैरह मिले। एक काम करते हैं कल सुबह जाते हैं नई मार्केट में जाके थोड़ा सा डायमंड वगैरह लेके आते हैं, ठीक है? जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनसे चंदा वगैरह मांग लेंगे। चल टॉम अभी ये काम करते हैं दोनों साथ में सो जाते हैं। चल मैं तो भाई सो गया आराम से। ओके तो गाइस ये तो आराम से सो गया, अब ये बिस्तर से उठने नहीं वाला, लेकिन आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू डू द सेकंड ट्रैप। तो गाइस ये वाला ट्रैप जो होगा ना बहुत ही खतरनाक होगा, मैं बता रही हूँ। तो ये वाला गाइस जो ट्रैप होगा ना वो बहुत ही खतरनाक होगा, तो इसी के ट्रैप में ये खुद ही ट्रैप हो जाएगा। तो अभी उसके लिए पता है हमें क्या करना है, यहाँ पे फटाफट से पहले तो नीचे जाना है और यहाँ पे इन सब चीजों को ब्रेक करना है। तो अभी गाइस एक काम करते हैं यहाँ पे पता है एक कार्ड सिस्टम बनाते हैं। देयर वी गो, यहाँ पे ऐसे कार्ड सिस्टम बनेगा, यहाँ पे ऐसे कार्ड सिस्टम बनेगा। इधर कर लेते हैं भाई अपनी पावर ड्रिल। वैसे यहाँ पे आई नो गाइस नॉइज वगैरह तो ज्यादा आनी है, लेकिन व्हाट कैन वी डू, वो उसके कान तो है इतने बड़े बड़े बिल्लियों के, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो ऐसी चीजें डिटेक्ट कर पाएगा। तो अभी गाइस यहां पे हम दो हॉपर लगा लेते हैं, लेकिन उसके नीचे हमें लगाना होगा एक चेस्ट। तो इधर इस चेस्ट को करते हैं लिंक इधर से ऐसे और यहां पे लगा देते हैं गाइस दो हॉपर्स। देयर वी गो और इसके ऊपर लगाते हैं ऐसे अपनी रेल।
एक गई पावर रेल, एक गई नॉर्मल रेल, देयर वी गो। तो इसको कर लेते हैं हम अब पावर। तो पावरिंग का सिस्टम आपको तो पता ही है यहाँ पे कैसे होना है, देयर वी गो। एक दो एंड यहाँ पे बस दो ही है ना। एंड गाइस अभी एक काम करता है, यहाँ पे रखते हैं ऐसे हॉपर वाली कार्ट और भाई तू चल जाना। हाँ ऐसे। तो गाइस जोन सी भी आइटम यहाँ पे आएगी चेस्ट के अंदर, इट इज लिटरली गोइंग इन टू दिस हॉपर राइट हियर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता गाइस चीजें एम्प्टी होती जाएंगी, और जैसे जैसे गाइस ये चीजें डालता रहेगा वैसे वैसे हमारे पास अपने चेस्ट के अंदर आइटम्स आती रहेंगी, जो कि ऑब्वियसली इसके पीछे है। सो वहां का रास्ता अभी हम बना लेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन गाइस यहां पे आई थिंक अभी हमें वीडियो को एंड करना पड़ेगा, यहां पे सब कुछ कवर कर लेते हैं। सो लेट्स सी, तो देखते हैं इस ट्रैप के बारे में टॉम क्या करता है। तो अगर आप एक्साइटेड हो गाइस इस सीरीज के लिए तो अभी कभी लाइक का बटन जरूर दबाना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब बिकॉज वी आर सो क्लोज टू 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड आई थिंक इस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।